हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 7th फ्रॉम योर बुक 2 एंड चैप्टर नेम इज इंटेग्रल, है ना। मैंने इंटीग्रेशन लिखा है, वो एक प्रोसेस होता है टू डू द इंटेग्रल। ओके, अब ये इंटेग्रल्स हैं क्या, हम क्यों स्टडी करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा, बेसिकली जब आप डेरिवेटिव लेते हो, मान लो आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, उसका आंसर मेरे पास साइन एक्स आया। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, आंसर साइन एक्स आया, अब ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को जानने के लिए आई नीड द हेल्प ऑफ इंटेग्रल्स। ठीक है, उस फंक्शन को, To know that function, I will take the help of integrals. पहला concept. Second, अगर मेरे पास हो गए किसी भी जो कोई area है curve का with respect to x-axis and y-axis, किसी एक में भी मैंने area under the curve निकालना है with x-axis या with y-axis या area between the curves, ये वाला area निकालना, तो ये मैं किसकी हेल्प से निकालती हूं, इंटेग्रल की हेल्प से निकालती हूं। ओके जी, क्लियर। तो इंटेग्रल का हमारे जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी हमारे स्कूल्स के बाहर जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपने घरों में जो बाहर आगे को निकालते हैं ना एरिया, हम देखते हैं कि बारिश कितना उसमें हमारे डोर्स को या हमारी विंडोज को गीला ना करे, तो हम आगे एक्सटेंड करते हैं कुछ एरिया, तो वो सारा जो है हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। जितना इंजीनियरिंग वर्क में मशीनरी का एरिया ये कुछ भी, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नाउ लेट अस सी कि मेरे पास जो है इंटीग्रेशन है क्या। हम बार बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है ना वो डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा। अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो वो दूसरी तरफ जाता है, तो वो एक तरह का इंटीग्रेशन बन जाता है। बस मेरे पास सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ये साइन है इंटीग्रेशन का ऑफ फंक्शन। ये हमेशा जैसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप किसी फंक्शन के साथ लेते थे, तो ये भी वेरिएबल बताता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रल निकालना है, और दिस इज द वेरिएबल किसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके जी, हम जिस फंक्शन को इंटेग्रल करते हैं ना, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। ओके जी, इंटी मेरे पास जो है ग्रेन, जी आर ए जो है डी, जी आर ए एन डी, इंटीग्रल, जिस फंक्शन को इंटेग्रल कर। ओके बेटा, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, मैंने आपको बोला कि जैसे एक्स वेरिएबल है तो एक्स के साथ ही ऑब्वियस है हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर मेरे पास लोगे, समझ आ गई ये बात सबको। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी फंक्शन का, मान लीजिए ये f of x है, ठीक है, इसका कोई भी डेरिवेटिव आया वो f of x है, और मुझे ये निकालना है, ये जो डेरिवेटिव है ना ये उधर जाके क्या बन जाता है, इंटेग्रल बन जाता है ऐसे, और इधर आंसर क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स। वो बाद में आगे मैं बताऊंगी कि प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगता है, बट बेसिकली एक तरफ जो डेरिवेटिव है वो दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाता है, इंटेग्रल बन जाता है। ओके, अब एक और बात, यहां पर हमेशा जब हम इंटेग्रल करते हैं ना, तो यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। हमारे पास ना इंटेग्रल भी दो तरह के, एक है इनडेफिनेट इंटेग्रल और एक है डेफिनेट इंटेग्रल। इनडेफिनेट इंटेग्रल
मतलब मैं कोई लिमिट्स फिक्स नहीं करती, यहां कोई नीचे लिमिट नहीं है, यहां कोई नीचे ऊपर लिमिट नहीं, तो ये इनडेफिनेट। अभी हम पहला टॉपिक करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब यहां कोई लिमिट फिक्स कर दी जाती है, मैंने एरिया अंडर द कर्व एक लिमिट तक कैलकुलेट करना है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाते हैं। ओके, हमने अभी जो बात करनी है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करनी, और उसमें यहां कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। क्यों? आप डेरिवेटिव चाहे फंक्शन का ले लो या इसके साथ कॉन्स्टेंट लगा दो, बेटा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है ना, तो इसीलिए जब ये इंटेग्रल उधर जाएगा, डेरिवेटिव उधर जाएगा, इंटेग्रल बनेगा, तो वो सी साथ में रहता है, क्योंकि ये जो सी है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए, वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डजंट मैटर, बस हमने आंसर में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है। ओके बेटा जी, क्लियर? और ये जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, हम इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे आपने बेटा इंटीग्रल डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न किए थे, है ना, वैसे ही आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और कुछ मेथड लर्न करने। डेरिवेटिव में तो कुछ फॉर्मूले थे और एक प्रोडक्ट रूल था, एक क्वोशेंट रूल था और एक चेन रूल था। यहां पर कुछ ऐसा नहीं, यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सपीरियंस से आपको पता चलता जाएगा ऐसी टाइप है तो ऐसा करना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले मेरे पास जो है सबसे पहला काम है डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने का, डायरेक्ट फॉर्मूला। उसके लिए क्या, मेरे को फॉर्मूलेज लर्न करना। ठीक है जी, सबसे पहला इंटेग्रल का फॉर्मूला, इंटेग्रल x पावर n dx, ध्यान से देखिए, पावर एक इंक्रीज कर जाते हैं ओवर द, मेरे पास सेम पावर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही आना है जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें। पहला फॉर्मूला पता चल गया सबको? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x की पावर माइनस टू है, ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रल क्या लगाऊंगी, मेरे पास हो गए x की पावर माइनस टू प्लस वन, कितना बना माइनस वन, नीचे मैंने माइनस वन प्लस सी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो मेरे पास माइनस वन बाय एक्स बना प्लस सी, दिस इज माई आंसर। सबको बात क्लियर हुई? चलें आगे, फर्स्ट फॉर्मूला पता चल गया। ओके जी, सेकंड फॉर्मूला, लेट अस राइट द सेकंड फॉर्मूला, मैं बिल्कुल आराम से हम करेंगे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से प्लीज लर्न इट साइड बाय साइड। सेकंड फॉर्मूला मेरे पास हो गए इंटेग्रल ऑफ डीएक्स, मतलब यहां कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। मैंने आपको बोला था ना इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में ऑपोजिट है, मतलब एक तरह का ये इंटेग्रल और ये डी कट गया तो आंसर अकेला एक्स प्लस सी। अगर यहां कोई कांस्टेंट होता टू थ्री, मैं उसको बाहर लेके जा सकती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए टू डी एक्स, आई कैन राइट टू इंटेग्रल डी एक्स और वो टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। जैसे इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया प्लस सी लग गया, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने पहले भी बताया। ओके जी, नाउ कम टू थर्ड, मेरे पास हो गए थर्ड, दैट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था ना, तो ये बिल्कुल उल्टा, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स, तो लिखना जरूरी होता है सब, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
इंटीग्रेशन में एक चीज याद रख लीजिए, आंसर में जब भी को आएगा ना, को से जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, जब भी सी आएगा तो आपने क्या करना है, यहां पर नेगेटिव साइन डालना ही डालना। ओके बेटा, नाउ फिफ्थ मेरे पास जो क्वेश्चन मेरे पास जो है, अब साइन का डेरिवेटिव किए, कॉस का करें, मेरे पास हो गए इंटेग्रल जो है कॉस का कर लिया, साइन का कर लिया, टैन का, सारे लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना। कॉट एक्स का, फिर मेरे पास हो गए सीकेंट स्केयर का, फिर कोसीकेंट स्केयर का, अब आप याद करो कि हमारे पास जो है इंटेग्रल में सीकेंट स्केयर आंसर, डेरिवेटिव में सीकेंट स्केयर आंसर कब आता था, एनीबॉडी फ्रॉम यू, सीकेंट स्केयर आंसर डेरिवेटिव में कब आता था, सीकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव है बता सकते हो, सीकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव है, कोई तो बोलेगा, किसी को नहीं पता सीकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव है। ओके सुहानी, यस बेटा, टेन एक्स, टेन एक्स का, बिल्कुल मेरे पास हो गए, तो ऑब्वियस है इसका मतलब सीकेंट स्केयर का इंटेग्रल क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी, ऐसे ही को सीकेंट स्केयर किसका होता था डेरिवेटिव, माइनस को सीकेंट स्केयर होता था कॉट एक्स का, होता था ना, तो यहां पर आंसर में माइनस उधर चला गया, कॉट एक्स प्लस सी, मैं टैन कॉट का बाद में बताती हूँ क्योंकि ये अलग होता है थोड़ा सा। ओके, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, लिखेंगे यहीं पे, बट लीव इट, यहां तक समझ आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने करना है, पहले हम 15th फॉर्मूलेस तो लर्न करने ही पड़ेंगे हमें। अच्छा अब ये देखो, अगर इंटेग्रल 1/x, आपको याद है 1/x डेरिवेटिव किसका आता था, लॉग एक्स का, तो ऑब्वियस है 1/x का इंटेग्रल लॉग मॉड एक्स, हम मॉड पता क्यों लगा देते हैं, क्योंकि लॉग किसी नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई, समझ आ गई बेटा बात। मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूं एक्स की पावर एन का, क्यों, क्योंकि अगर पावर एक इंक्रीज की ओवर द सेम पावर, तो ये तो नीचे एक्स की पावर जीरो ओवर जीरो बन गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 1/x dx का जो आंसर है लॉग मॉड एक्स है, समझ आ गई बेटा, क्लियर। अभी ये छोड़ दो, मैं अभी बताती हूं, चले आगे। नेक्स्ट मेरे पास जो है इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स, ये ई पावर एक्स प्लस सी ही होते, इसका सेम ही रहता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए इंटेग्रल सीकेंट एक्स, मेरे पास हो गए और टेन एक्स डीएक्स, याद है सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, सीकेंट एक्स का ना, तो इसका इंटेग्रल जो है सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल सीकेंट एक्स। ओके सुकमन, चलिए तो अब बताइए मुझे सुकमन कि कोसीकेंट एक्स और कॉट एक्स डीएक्स ये किसका इंटेग्रल डेरिवेटिव होता है, ये सुकमन अनम्यूट कीजिए, सुकमन माइनस को सीकेंट एक्स, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारे पास जो है कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स होता था, तो वो नेगेटिव उधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर यहाँ माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी, कोई मुश्किल नहीं है याद करने,
बच्चे बहुत डर जाते हैं, इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, 100 फॉर्मूले, कोई 100 फॉर्मूले नहीं है, थोड़े से ही है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, बट आप उसी से कोरिलेट करके बनाओ ना खुद तो इजीली बन जाए। 8 फॉर्मूले ये लिखे, दिस इज 9, 10, 11, दिस इज 12, बात पता चली सबको? ओके चलो नेक्स्ट करें, मेरे पास टू है, ठीक है। अब क्योंकि मैं पहले डेरिवेटिव वाले करवा रही हूँ जो आपको इजीली लर्न हो जाए। अब आपको याद हो आपने डेरिवेटिव की हुए हैं, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 − x² है ना, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो dx/√1 − x², ठीक है, तो उसका ये अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इंटेग्रल साइन इधर लेके आए तो ये डेरिवेटिव बन जाता है अपने आप, तो अपने आप देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 1/√1 − x² बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे ही सारे इनवर्स वाले लिखे हम, इंटेग्रल डी एक्स मेरे पास जो है √1 − अच्छा यहाँ पर नेगेटिव हम अगर यहाँ आ जाए तो हम इसको कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बेटा ऐसे भी लिख देते, ओके या इस नेगेटिव को इधर ले जाओ, मतलब ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ये नेगेटिव आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके बेटा ये बात समझ आई, डिपेंड करता है हमें आंसर में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लें, ओके जी। नेक्स्ट बेटा इंटेग्रल dx 1 + x² मेरे पास क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, मेरे पास सेम ऐसे ही, मेरे पास अगर यहाँ −dx/1 + x² है ना तो मैं इसको cot इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकती हूँ, या इस नेगेटिव को मैं इधर लेके आ भी सकती हूँ, डजंट मैटर, इस नेगेटिव को बुक्स में आप देखोगे दे राइट लाइक दिस, कोई बात नहीं, दोनों के फॉर्मूले वो सेम ही लिखते, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास जो है a पावर, अच्छा पहले इनवर्स वाले खत्म कर लेते हैं सारे, सेकंड इनवर्स रह गया, ठीक है, को सेकंड इनवर्स रह गया वो भी कर लेते हैं, लेट अस राइट, फिर tan cot में आएंगे जो मेरा रह गया था, क्योंकि ये इनवर्स वाले इजी हमारे पास हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास हो गए इंटेग्रल डी एक्स मेरे पास ओवर x√x² − 1 जो है 100% ये सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, फिर वही बेटा कि अगर नेगेटिव आपके पास है आप यहां एडजस्ट कर दीजिए, अगर नेगेटिव है तो x√x² − 1 वो माइनस को सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो, सिंग डबल पेज लगा के उस पे लिखते जाओ, ये नहीं आएंगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जो अभी के लिए लास्ट फॉर्मूला मेरे पास a/x dx जो है वो a/x/log a + c, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है बेटा। यहां तक आपको ये पता चल गया कि हमने क्या किया है, फॉर्मूलेस किए हैं, है ना, और कुछ भी नहीं किया। अब इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है बट कभी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप उसको ध्यान से करो। अब ये जो दो रह गया मैं ये लिखवाने लगी, ठीक है, लेट अस राइट, मेरे पास इंटेग्रल टेन एक्स के ना दो फॉर्मूलेस हैं, ये आप पे डिपेंड है आप कैसे लर्न करते हो। मेरे पास ये लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस सी भी है, या मैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो। कॉट का मेरे पास
log mod साइन x प्लस सी, मैं हमेशा इसमें ये और cot में साइन वाला याद करके रखती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाता है लर्न करना। ठीक है, अब जितने भी फॉर्मूलेज हमने किए आज, जितने भी फॉर्मूलेज किए, अगर वहां x की जगह पे आपके पास ए एक्स प्लस बी आ जाए, x की जगह पे ए एक्स प्लस बी मतलब लीनियर फंक्शन के साथ चेंज हो जाए, इंटीग्रेशन सेम रहती है, सेम आंसर आता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो आंसर आया ना उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। राइट ए नोट, इफ इन द फॉर्मूलाज x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी, प्लीज नोट इट डाउन, इफ इन ऑल द अबव फॉर्मूलाज x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी, देन द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी डिवाइडेड बाय a। बस मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, लेट अस सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मूले क्यों पहले करवाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है ना, आप लर्न कर सको दो दिन तक, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज बाद में शुरू होनी है। मेरे पास पहला जो मैंने अभी बताया, साइन एक्स का आंसर जो है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, यही लिखवाया, लेकिन अगर मैं कहती फाइंड इंटेग्रल ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, क्या करते हैं आपने माइनस कॉस टू एक्स प्लस थ्री ही लिखना है, प्लस सी तो आना ही आना, बट डिवाइडेड बाय x का कोफिशियंट क्या है, टू, टू से डिवाइड कर, बस दिस इज माय आंसर। समझ आई सबको अभी तक जो मैंने बताया, फॉर्मूलेस पता चले बेटा? हाँ जी, कोई यस कोई नो, कोई रिस्पॉन्स तो कर दो बेटा कि यस मैम इट इज क्लियर, और ये कॉन्सेप्ट पता चला। चलो अब मैं दो तीन सम्स करवाती हूँ, जितने फॉर्मूलेस कराए ना उसी पर बेस्ड आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है, टर्न बाय टर्न। 17 स्टूडेंट्स आर देयर, दैट मींस वी हैव टू डू 17 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर वन बाय वन। ओके, फर्स्ट इंटेग्रल ऑफ एक्स पावर 7, अपने आप अनम्यूट होते जाना, जिसकी टर्न है, नेम तो सबके सेम ही आते हैं ना, ठीक है, मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ तो हम लोग साथ साथ करेंगे। चलो जी दिव्यालीन, अनम्यूट योर सेल बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। नहीं आएगा कोई बात नहीं, हमने डिस्कस करना है सिर्फ, है ना, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो बेटा सारे। हाँ जी दिव्यालीन, नेक्स्ट बेटा लक्षित। मैम एक्स की पावर 8/8, बिल्कुल करेक्ट, एक्स की पावर, बिल्कुल x की पावर 8/8 प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रबनूर, प्रबनूर, यस मैम। चलो प्रबनूर मुझे बताओ बेटा, प्रबनूर इसका क्या करेंगे, इंटेग्रल ऑफ दिस मैम 2x प्लस 7 को ऊपर लेकर जाके माइनस 1 कर देंगे, फिर क्या करें बेटा, लो जी मैंने आपका कहना मान लिया, अगर यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 1 करेंगे वो तो जीरो हो जाएगा ना प्रबलू, ये कैसी फॉर्म है, ये 1 बाय x की फॉर्म है प्रबनूर, 1 बाय एक्स का इंटेग्रल क्या होता है मैम, लॉग एक्स, बिल्कुल लॉग ऑफ मॉड, बिल्कुल लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, तो बेटा फिर यहां पर भी वही लगाइए ना, लगाइए क्या बनेगा, लॉग ऑफ 2x प्लस 7
मॉड लगा दीजिए बाय, क्योंकि x नहीं है, 2x प्लस 7 है, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पता चला प्रभनूर? यस मैम। गुड, चलिए सबको बात समझ आ गई बेटा, ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ओके चले आगे, चलो नेक्स्ट टर्न जो है मेरे पास जो है रसिका की है। चलो रसिका मुझे बताइए, secant square 2x minus 5 dx। चल बेटा रसिका अनम्यूट करो एंड टेल मी द आंसर। मैम secant x tan x साथ में डिवाइडेड बाय 2। secant x tan x कैसे? secant square, secant square का इंटेग्रल क्या होता है? ध्यान से देखो, secant square का इंटेग्रल मैंने लिखवाया है बेटा। मैम secant x tan x नहीं बेटा, एक मिनट ध्यान से। रसिका secant square x किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव का आंसर होता है पता है? tan x tan square x का tan x का tan x है ना, तो ऑब्वियस है फिर इसका इंटीग्रल tan x होगा, लेकिन यहां x नहीं है, 2x minus 5 है, तो जो x का डिवाइडेड बाय 2 वेरी फॉर्मूले लर्न हो जाएगा, फॉर्मूले लर्न करोगे तो हो जाएगा सबका, ठीक है ना? मैंने अभी करवाए हैं, नोट नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, अगर आपने देखने हैं तो कुछ फॉर्मूलेज आपकी बुक के पेज 290 पे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है बेटा? बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल 100% बेटा फॉर्मूले लर्न करके आना, मैं तभी आगे आपको करवा सकती हूँ, तभी आप इनको एंजॉय करोगे। इस चैप्टर को एक बार आपके दिमाग में पड़ गया ना, तो आपको आगे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मुश्किल नहीं है मैं कह रही हूं, अगर आप साथ साथ जितना करवा रहे हैं उतना पहले करो। ओके चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। मेरे पास हो गए इंटेग्रल 2 की पावर 7 माइनस 7x जो है dx। चलिए नेक्स्ट टर्न, समयंक, समयंक अनम्यूट योर सेल्फ, जल्दी बेटा जल्दी, समयंक, समयंक यू आर नॉट एक्टिव इन द क्लास फ्रॉम मेनी डेज, अनम्यूट योर सेल्फ। कार्तिक, कार्तिक बेटा हेलो, हाँ जी बेटा कार्तिक बताइए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा? ए एक्स डी एक्स का, ए एक्स डी एक्स का, ए एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स, यस ए की पावर एक्स का, बिल्कुल करेक्ट। और ए की पावर एक्स का मैंने इंटीग्रल क्या बताया बेटा? ए की पावर एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट। तो a की पावर x ओवर log a प्लस c, और x के आगे लगा है माइनस 7, तो माइनस 7 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अभी जो आज 7 लगाना बेटा, माइनस 7 मैंने माइनस 7 लगाया। ओके क्लियर? ओके मैम, आपने 7 लिखा, 7 से डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है? आज जो मैं बता रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज लगते, ठीक है? तो ताकि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में आ जाएं इसलिए, ठीक है? तो और करते हैं हम लोग जो है थोड़े से क्वेश्चन, लेट अस डू। मान लीजिए मेरे पास ऐसे हो इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स, हम इंटेग्रल को ना अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं कर सकते, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो मैं इंटेग्रल को ऐसे ओपन कर सकती हूँ, माइनस है तो तब भी ऐसे सेपरेट कर सकती हूँ,
लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में इंटेग्रल को मैं अलग अलग नहीं कर सकती, उसके लिए अलग मेथड है। जैसे आपने डेरिवेटिव में करते थे प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, है ना, प्लस माइनस में ओपन कर लेते थे सिंपल ऐसे। अब इसका इंटेग्रल नेक्स्ट टर्म किसकी है? फतेह बेटा, फतेह अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, बी अ गुड वन एंड अनम्यूट योर सेल्फ। ऐसे थोड़ा कि बाकी बच्चे अनम्यूट करें और कुछ करें ही ना, मजा ही नहीं आता ऐसे। काक्षी, काक्षी, यस मैम। चल काक्षी मेरा बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 2 है, प्लस 1 करके आएगा एक्स 3 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, एक्स 3 डिवाइडेड बाय 3, एक्स स्क्वायर की पावर, मैंने कोफिशिएंट बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा काक्षी से नेक्स्ट, हाँ जी महक, महक अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, महक, चलिए नेक्स्ट जो है मेरे पास राघव, राघव सक्षम शर्मा, सक्षम बेटा, सक्षम मुझे बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बेटा? मैम डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, कोस इंटीग्रेशन है, मैंने डेरिवेटिव पूछा था, आपने इंटीग्रेशन का बोला, बिल्कुल माइनस कोस एक्स है। चलो मैं आपने को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है तो दैट्स गुड, तो आप सीधा माइनस कोस एक्स, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हुई प्लस सी, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके दैट्स गुड कि ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेट, प्लीज डू ज्वाइन दिस क्लास टुमारो ऑल्सो, ओके, सो दैट वी कैन लर्न इंटीग्रेशन बाय हार्ट, ताकि आपको पेपर वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।